खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए आज तक सबसे तेज। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन इसके साथ वह एक बेहतरीन इंसान भी है। भले ही वो इन दिनों विदेश में रह रही हूँ, लेकिन उनका दिल आज भी अपनी मिट्टी में ही धड़कता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने शॉर्ट फिल्म बिट्टू में दिखाई गई रानी और रेनू के लिए लोगों से मदद करने की अपील की है। इस शॉर्ट फिल्म में 8 और 10 साल की इन दो बच्चियों की आर्थिक तंगी से जूझते हुए पढ़ाई लिखाई पूरी करने की अधूरी इच्छा को दिखाया गया है। इसके लिए अब प्रियंका ने आगे आकर एक वीडियो के जरिए लोगों से अपील की है। कौन है ये दो बच्चियां और कैसे कर रही हैं प्रियंका उनकी मदद, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने खुद को तो फिल्मी दुनिया में अलग पहचान दिलवाई ही है, अब वे दूसरों के लिए भी ऊपर उठने का हर मौका देना चाहती हैं। ऐसा करके वो उस टैलेंट को सपोर्ट करती हैं जो या तो काबिलियत रखता है या फिर जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता दिखती है। अब इसी कड़ी में प्रियंका बिट्टू फिल्म की स्टार कास्ट की मदद करने जा रही है। आपको बता दें कि यही वो फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। बिट्टू का डायरेक्शन करिश्मा देव दुबे ने किया है। ऑस्कर में एंट्री पाने से पहले इस फिल्म को 18 फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है और कई अवार्ड्स इसके नाम हो चुके हैं। वहीं करिश्मा को भी बिट्टू के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिल चुका है। फिल्म में लीड रोल निभा रही रानी और रेनू ने भी अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया। कम उम्र में उनकी बेहतरीन एक्टिंग देख कर हर कोई तारीफ करने को मजबूर हो गया। लेकिन उत्तराखंड की रहने वाली रानी और रेनू बहुत ही गरीब परिवार से आती है। ऐसे में इस फिल्म के जरिए इन दोनों ही कलाकारों की जिंदगी को बदलने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे उन्हें बेहतर सुविधा और बेहतर जीवन मिल सके। बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने गुनीत मोगा, ताहिरा कश्यप और रुचिरा कपूर के साथ मिलकर बनाई है। इसके लिए इंडियन वुमेन राइजिंग की तरफ से फंड इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। उन फंड्स की मदद से रानी और रेनू को एजुकेट किया जाएगा, उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाएगी। इस मुहिम के साथ प्रियंका ने भी खुद को जोड़ दिया है। वो न सिर्फ अपनी तरफ से फंड देने जा रही हैं, बल्कि उन्होंने एक वीडियो के जरिए लोगों से अपील करते हुए उनकी मदद करने के लिए आगे आने की भी बात कही है। इसके अलावा प्रियंका ने बिट्टू फिल्म देखने की भी बात कही। एक्ट्रेस का पूरा भरोसा है कि ये फिल्म दर्शकों को देखने के बाद जरूर पसंद आएगी। बिट्टू की कहानी की बात करें तो ये दो ऐसी लड़कियों की दोस्ती पर आधारित है जो एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं, लेकिन घटना ऐसी होती है जिस वजह से इन दो लड़कियों को स्कूल में जहर दे दिया जाता है। अब यहाँ से कहानी क्या नाटकीय मोड़ लेकर आती है, यही सब बिट्टू में दिखाया गया है। बता दें कि 15 मार्च को होने वाले ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दी है। 15 मार्च को दो हिस्सों में ऑस्कर नॉमिनेशन का लाइव प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें 23 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन होंगे और इन नॉमिनेशन में इस शॉर्ट फिल्म बिट्टू का नाम भी शामिल है। वही बात करें प्रियंका के बारे में तो वो इन दिनों अपनी किताब अनफिनिश्ड और न्यूयॉर्क में खोले गए इंडियन रेस्टोरेंट की वजह से सुर्खियों में छाई हुई हैं, जिस पर उनके फैंस जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो वहीं एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही हॉलीवुड की दो फिल्मों में नजर आने वाली हैं। प्रियंका टेक्स्ट फॉर यू और मैट्रिक्स 4 में दिखाई देंगी, जबकि आखिरी बार उन्हें फिल्म द व्हाइट टाइगर में देखा गया था।